बढ़ते हैं एक और वॉइस मैसेज की जानब। ये बड़े दिनों से आया हुआ है, लेकिन वो 12 फरवरी से। अच्छा, इन्होंने तस्वीर भेजी हुई है और मैंने इनको कहा वेट फॉर योर टर्न प्लीज़, अवॉइड कॉलिंग यू अगेन प्लीज़। अच्छा, कॉल कर रहे थे ज़्यादा, तो उसके बाद मैंने इसको देख ही नहीं सका। तो आज के उन्होंने लिखा, सर जी कितना इंतज़ार करना पड़ेगा हमें, कब जवाब मिलेगा? दरअसल पानी लगाना है और मेरा प्रोग्राम है आधी बोरी पोटाश डाली जाए, बाकी जो आपकी राय। ओहो, मेरी जान, मुझे आज ही, मैंने ये आपका वैसे पहले आया हुआ था, फिर बीच में आपने कॉलें जो की उससे लगता है मैंने आपको भेजा था कि भाई कॉल ना करें, आप वॉइस मैसेज करके भेजें। आपने, अभी मैं देख रहा हूँ आपने लिखा है सर जी कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन यह कि आपका मैं देख रहा हूँ जो सारी जो आपने तस्वीरें भेजी हैं चकंदर की, और आप इसमें पोटाश डालना चाह रहे हैं। नहीं मेरी जान, ये महीने के बाद तो अमोनियम, जो अमोनियम सल्फेट है ना, वो खाद हम एक बोरी रिकमेंड करते हैं जब आप लगा दें इसको, और कास्त के 1 महीने बाद हम एक बोरी अमोनियम सल्फेट उस वक्त डलवाते हैं। पोटाश वाली खाद जो है इस वक्त कोई फायदा नहीं है, वो शुरू में जब जमीन तैयार करते हैं तो पोटाश की पूरी मकदार वो मैं डलवाता हूँ, और वो अगर आप मेरा प्रोग्राम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी रहा कि इसको कब आपने निकालना है, कब इसकी हार्वेस्टिंग करनी है, तो मेरी जान ये नॉर्मली जो 60-70 दिन के बाद काश्त यानी बर्दाश्त इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, 60 यानी 2 महीने या 2.25 महीने, 60 से 70 दिन, याद रख लें, 60-70 दिन के बाद इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, और इसलिए कि इसको सख्त हो जाने से पहले ही निकाल लेते हैं। अगर सख्त हो गया तो फिर आपको वो मंडी में पैसे नहीं मिलेंगे, तो बेहतर है कि इसको सख्त होने से पहले पहले मंडी भिजवा दें, ठीक है? और आइंदा मैं जब भी आप कभी मैसेज करें तो प्लीज़ बे भले ऊपर एमरजेंसी लिख दें, ताकि मैं फौरन आपकी जो वॉइस है उस वॉइस मैसेज का जवाब दे दूंगा। आप डस्का के कौन से गांव से हैं ये भी आप लिख दें, और अपना तारफ भी करा दें तो बहुत ही बेहतर होगा, ठीक है? क्योंकि मेरा भी डस्का से बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक रहा है, और है भी, अभी भी है, और डस्का के वैरो वाला हो गया या डस्का प्रॉपर हो गया, मल्ला साइया उसमें, और चौधरी इस्मतुल्ला साई मेरे बड़े भाई के सुसर थे, और इस्मतुल्ला उनका बेटा भी उधर है, बरस मेरी बहुत ज़्यादा क्लोज ताल्लुक है डस्का से। तो प्लीज़ अपने गांव का नाम भी ज़रूर बता दें, और दुआओं में याद रखें फी माल्ला। जब कभी कोई मैसेज करना हो प्लीज़ ऊपर इमरजेंसी लिख दें, ताकि आपका, मुझे अफसोस हो रहा है कि इतने दिन हो गए हैं, अब आपने लिखा हुआ भी, आज देखें ना, आज 16 तारीख हो गई है और आपका मैसेज 13 तारीख का आया हुआ है, ठीक है ना? 13 फरवरी का आपने जो लिखा हुआ है, सर जी कितना इंतज़ार करना पड़ेगा हमें, कब जवाब मिलेगा, ठीक है? और लिखा है पानी लगाना है और मेरा प्रोग्राम आधी बोरी पोटाश डाली, नहीं ज़रूरत नहीं है, ऐसे पैसे ज़ाया करने वाली बात है, अभी फ़िलहाल ये देख लें, और अगर 60 से 70 दिन के हो गए हैं तो निकालें और बिस्मिल्लाह करके मंडी भेज दें, सख्त होने से पहले पहले, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।